ठीक है वेलकम टू द दैब चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पार्ट uh, वन हो गया है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो गए हैं पार्ट वन में वन पॉइंट वन वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फाइव क्वेश्चन कवर हो गए अब वन पॉइंट सेवन कवर करना है वन पॉइंट एट कवर करना है उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे बढेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पे 1.8 उसके बाद 1.10 1.11 इस तरह से करेंगे ठीक है तो देखेंगे ज़्यादा लंबा अगर नहीं गया तो क्वेश्चन उस हिसाब से करेंगे ठीक है ऐसा कोई नहीं है कि आज इतना ही क्वेश्चन करना है मतलब मेन एम मेन जो गोल है अपना वो ये है कि जेई एडवांस आते आते ये सारे आई रोडो की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए ताकि तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे कंसल्ट करके देख के समझ सकते हो और अपना रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक वन ऑफ देम देखो स्टार्ट करते हैं टू स्विमर्स करते हैं पॉइंट ए को देखो दो स्विमर्स हैं एक पॉइंट ए को लीव करता है ऑन द वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच द पॉइंट बी तो मान लेते हैं कि ये अपना है रिवर का एक तरफ मान लेते हैं ये ए पॉइंट है ठीक है और ये अपना मान लेते हैं दूसरा कोना है यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है अपना बी पॉइंट है ठीक है अब यहाँ पे यहाँ से जो है दो स्विमर्स जो है जा रहे हैं ठीक है भैया जा रहे हैं सर वेरी गुड वन ऑफ देम क्रॉसेज द रिवर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ए बी एक जो है वो डायरेक्ट जा रहा है यहाँ पे A, B, पे, सीधे स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है और बी पे पहुंच जा रहा है ठीक है, सर, सर है।, right है कि पहला स्विमर जो है वो डायरेक्ट पहुंच गया स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करके ए बी वाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम लेकिन जो दूसरा वाला बंदा था वो स्ट्रीम के राइट right एंगल मतलब स्ट्रीम के राइट right एंगल से मतलब ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द रिवर है ठीक है तो वो अगला बंदा जैसे ये अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है थोड़ा सा अब यहां पे अलग अलग करते हैं फिगर को नहीं तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे तो फर्स्ट स्विमर के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले स्विमर के बारे में फर्स्ट स्विमर पहले स्विमर के बारे में बात कर रहे हैं कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए अलग अलग किए हैं ठीक है पहले स्विमर के बारे में अगर बात करें तो अगर ये ए पॉइंट पे पहला स्विमर बैठा हुआ है और उसको बी पॉइंट पे अगर डायरेक्टली रीच करना है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो इस ए पॉइंट पे जो बैठा हुआ स्विमर है उसको क्या इस तरफ से वेलोस अपने वेलोसिटी 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 को मूव करना होगा ऑफ ऑफ द द फर्स्ट फर्स्ट इसको मान ले रहे हैं ठीक है तो क्या इस स्विमर को अपने इस डायरेक्शन में मूव करना होगा तभी क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगा जाहिर सी बात है सर अब जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर है तो बेसिकली अपनी जो दो कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे इसको मान लेते हैं ये अपना थीटा कंपोनेंट है तो ये वाला क्या हो जाएगा दिस कंपोनेंट विल बिकम वी वन साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा अपना सॉरी वी वन कॉस थीटा ये है पहला स्विमर वो थोड़ा से थीटा एंगल पर चलेगा जिस डायरेक्शन में उसको जाना है ताकि ये जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है ये इसको लगातार ढकेलता रहेगा अलोंग द मोशन बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ द स्विमर एंड द रिवर ठीक है ये पहले स्विमर का केस है ठीक है सर वेरी गुड सर अब दूसरा स्विमर है दूसरा स्विमर क्या कर रहा है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है अब इस दूसरे स्विमर को क्या करना है इस पॉइंट पे तो पहुंचना है और वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर है ठीक है सर है अब ये जो है म्यूचुअली बिल्कुल इस तरह से मूव ही कर रहा है मतलब वेलोसिटी ऑफ द बी इधर है तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ इधर आ जाएगा क्यों क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है तो रिवर की वेलोसिटी की वजह से ये कुछ पॉइंट आगे आ जाएगा मान लेते ये पॉइंट सी आगे आ गया ठीक है सर बिल्कुल अब क्वेश्चन में क्या है ये तो बेसिकली बिसिक, छोटी सी चीज थी समझने वाली वो समझ गए वन ऑफ देम क्रॉसेज द रिवर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ए बी ए बी के अलोंग गया है तो उसके लिए क्या करना होगा उसको थोड़े थीटा एंगल पे मूव करना होगा वाइल द अदर स्विम्स एट अ राइट एंगल और दूसरा वाला क्या कर रहा है स्ट्रीम के राइट right एंगल पे जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे घूम जाएगा हाँ, सर बिल्कुल राइट एंगल टू स्ट्रीम एंड जाने के लिए सी टू बी जाने के लिए कुछ डिस्टेंस वॉक भी करना है स्ट्रीम टू गेट टू पॉइंट बी मतलब बी पॉइंट पहुंचने के लिए जो इसको आगे जाना पड़ा रिवर के वेलोसिटी की वजह से उसको वो डिस्टेंस फिर से कवर करनी बेसिकली क्वेश्चन के साथ साथ चलो ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन में लिखा नहीं है सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है तुमको उसमें से छोटे छोटे क्लूज ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं देखो अभी तक ये जितनी भी बातें हम किए हैं पहले स्विमर के लिए और दूसरे स्विमर के लिए ये सारी बातें हम क्वेश्चन से ही लिखे हैं और जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ के लिखे हैं ठीक है तो उन बच्चों के लिए ये सेशन है भी नहीं जो अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़े नहीं है ठीक है और जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए काफी ईजी क्वेश्चन है उनको देख के ही लग रहा होगा कि ये क्या है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कैरीड अवे बाय द स्ट्रीम टू गेटअप अब यहां तक बात समझ में आ गई वट वॉज द वेलॉसिटी यू वट वॉज द वेलोसिटी यू ट्वेल्व ऑफ इज वॉक मतलब ये जो वेलोसिटी है यू सेकेंड वाले पार्टिकल की ऑफ इज वॉकिंग बोथ स्विमर रीच द डेस्टिनेशन साइमटेनियसली क्या कह रहा है कि अपने को क्या चाहिए ये वॉकिंग वेलोसिटी चाहिए मतलब कि ये ये जो बंदा सी टू बी जा रहा है तो ये मान लेते यू वेलोसिटी से सी से बी जा रहा है पैदल और क्या कह रहा है ये वेलोसिटी अपने को चाहिए ठीक है ये क्वेश्चन मार्क है अपने को यही वेलोसिटी चाहिए और क्या कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है इन दोनों को वो सेम लग रहा है मतलब कि साइमल्टेनियसली ये दोनों पहुंच रहे हैं यानी कि इसमें जो मान लेते हैं टी वन टाइम लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है टी टू टाइम लग रहा है और टी टू टाइम यहाँ पे दो टाइम होगा एक तो टाइम ऑफ बी होगा रिवर के अंदर और दूसरा टाइम ऑफ वॉकिंग भी होगा जो इसको लग रहा होगा और इसको क्या लग रहा होगा डायरेक्ट ये वीवन थीटा वाला कंपोनेंट डायरेक्ट इसका टी वन आ जाएगा ठीक है और इसको डिस्टेंस हम लोग ये लेट से मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है डी है रिवर और इस पॉइंट के बीच में ये दिया नहीं है क्वेश्चन में लेकिन अपने को लेट करना पड़ेगा तो क्या कह रहा है द स्ट्रीम वेलोसिटी द स्ट्रीम वेलोसिटी वी इज बेसिकली टू किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की वेलोसिटी दी है मतलब रिवर की वेलोसिटी दी है एंड द वेलोसिटी

यहां पे ये जो है वी बी है हां सर बिल्कुल है वीबी अब ये वाला जो वेलोसिटी है ये है वी आर है कि नहीं है वी आर अब ये जब टी टू अब देखो यहां पे टी वन में क्या हो रहा था डी अपॉन वी वन थीटा तो टीबी क्या हो जाएगा ध्यान से सोचो टीबी क्या होगा टीबी हो जाएगा वी बी सॉरी एक सेकेंड कहां गया रिजर अपना वीबी अभी कहां जाएगा चलो देखो टी टू टी बी क्या हो जाएगा डी क्योंकि ये बीच का डिस्टेंस क्या है अपना डी है हां सर बिल्कुल डी है सर अपॉन में अरे सर ये डी अपॉन में क्या हो जाएगा एक सेकेंड डी अपॉन में ये वी बी क्योंकि ये वी -बी से चल रहा है सिंपल से खेल है प्लस टी वॉकिंग क्या होगा सर तो टी वॉकिंग जो टी वॉकिंग होगा वो क्या होगा वो होगा ये वाली डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी सी

अपॉन यू अरे यार तुम लोग को नहीं समझ में आया देखो डिस्टेंस बिटवीन बी सी क्या है वी आर टी बेसिकली और कुछ भी नहीं है ये भैया ये टाइम वही है जो इस ये जो सेकेंड पार्टिकल है वो जितने देर रिवर में होगा ये वही वाली टाइम है क्योंकि उतने ही टाइम तक क्या ये वाला जो पार्टिकल है या ये जो स्विमर है ये इधर की तरफ चल, जाता चला जाएगा हाँ की ना एक बार रुको कंफ्यूजन ना हो ध्यान से देखो यहां से बात करते हैं t2 क्या है t2 इज बेसिकली tb प्लस tw अब tb क्या है भैया tb इज बेसिकली ये जो स्विमर है इस इस स्विम मतलब इस आ, स, आ, क्या कहते हैं यार इसको इस रिवर में कितने टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपना वो tb है प्लस टी डब्ल्यू क्या है? ये है कितना देर लग रहा है इसको वॉक करने में क्योंकि यहां पे तो डायरेक्ट पहुंच गया इसलिए एक था, यहां पे लेकिन दो दो टाइम के बारे में हम लोग तो कंसर्न कर रहे हैं एक जितना देर वो रिवर में है और दूसरा जितना देर वो वॉक कर रहा है तो ये टोटल टाइम होगा इसका तो जितना देर रिवर में होगा उस उसमें कितना टाइम लगेगा तो बेसिकली जितना डिस्टेंस होगा अपॉन जिस वेलोसिटी से वो वी बी वेलोसिटी से चल रहा होगा वो होगा सर प्लस अब वॉकिंग डिस्टेंस क्या है बेसिकली वॉकिंग डी बी सी अपॉन यू क्योंकि वेलोसिटी से ये चल रहा है और डिस्टेंस बेसिकली क्या है डी बी सी है अब इस डी बी सी की जगह हम लोग वी आर इंटू टी लिख सकते हैं और ये टी जो है ये टी बी है क्यों टी बी अभी देखना ध्यान से ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन बीसी है क्या डिस्टेंस बिटवीन बीसी की कितना दूर ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ तो वो क्या होगा जितना देर तक ये रिवर की वेलोसिटी इसके ऊपर लगती जाएगी वो उतनी देर तक वो इस डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में कितने देर तक मूव कर रहा है टीबी टाइम तक इस डायरेक्शन में ये मूव करता जा रहा है और किस वेलोसिटी से तो वी आर हां की ना अरे यार कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है ये डिस्टेंस बिटवीन बीसी क्या है डिस्टेंस बिटवीन बीसी की कितनी देर तक ये रिवर की वेलोसिटी इसको इधर ढकेलती रही तो बेसिकली जितने देर पानी में रहेगा और कितने देर पानी में है तो टीबी टाइम तक पानी में है हा कि ना अब आ जाओ आगे तो टी टू क्या हो जाएगा डी अपॉन वी बी डी अपॉन वी बी प्लस वी आर अब टाइम टाइम इन बी मतलब टाइम रिवर में कितना टाइम लग रहा है तो ये d अपॉन वी बी क्या है ये रिवर में ही लगने वाला टाइम है कि नहीं हाँ सर बिल्कुल सर तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे टीबी की जगह क्या हो जाएगा डी अपॉन वी बी इंटू यू तो क्या यार अपने को टी टू मिल गया एक सेकेंड यहां पे पिक्चर होगी तो शायद तुम लोग को दिख नहीं रहा हो टी टू इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी प्लस वी आर डी अपॉन VB into क्या ये अपना टी टू टाइम है यार और यार तो क्या ये अपना टी वन टाइम है यार अब क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों साइमटेनियसली पहुंच रहे हैं साइमटेनियसली पहुंच रहे हैं इसका मतलब दोनों के बीच का लगने वाला टाइम सेम है यानी कि टी वन जो है वो टी टू के इक्वल है हाँ कि ना तो क्या डी अपॉन वी वन कॉस्थीटा जो होगा वो डी अपॉन वी बी प्लस वी आर डी अपॉन के इक्वल होगा हाँ कि ना हाँ सर बिल्कुल इक्वल होगा सर क्यों नहीं होगा अब रुक जाओ अब ध्यान से देखो ये जो डी है वो सारा कैंसिल हो गया हाँ सर कैंसिल हो गया अब बचा क्या बचा ये प्लस वी आर अपॉन ना हाँ सर बिल्कुल सर अब अब क्या करना है अब अपने को थोड़ा सा ये वाला क्योंकि ये काम करेंगे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा तो ध्यान से देख के लिख लेना अपना तुम लोग ठीक है ए ये चलो देखो अब ये आ गया रिलेशन अब हम लोग क्या करेंगे थीटा की यहां वैल्यू क्योंकि वी वन अपने को पता है क्या है टू पॉइंट फाइव है वीबी अपने को पता है क्या है टू पॉइंट फाइव है ये बेसिकली वी टू होगा ठीक है ये वी टू कर लो आ, हम यहाँ पे यहां पे वी वन नहीं है तो यहां पे हमको वी टू लेना चाहिए था चलो कोई नहीं तो वी टू ले लो ठीक है VQ, ये जो टू जो 2.5 है यह क्या है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द स्विमर है जो स्विम कर रहा है. तो, V1 2 V2 है तो अपने को ये सारी नोन है बस थीटा की क्वांटिटी नहीं है. अरे यार चलो पता कर लेते हैं थीटा की वैल्यू थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा अब आ जाओ यहां पर क्या अपना यार ये बेस है हाँ की ना यहां पे क्या है ये अपना बेस है और ये क्या है अपना हाइपोटेनियस है हाँ सर बिल्कुल सर तो हाइपोटेनियस तो अपना हो गया और बेस क्या होगा तो ध्यान से देखो बेस क्या है बेसिकली बेस है ये वी है ये ठीक है थोड़ा सा अलग यार स्पेस चाहिए चलो देखो क्योंकि अगले पेज पे चले जाएंगे ना कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो ये क्या है अपना बेस है सॉरी ये वी आर है ये वाला कंपोनेंट और ये क्या है वीवन है तो क्या अपने को ये पता चल जाएगा वो क्या हो जाएगा हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी वन स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्कवायर क्या यही बेस होगा अंडर द रूट ऑफ वी वन स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर हाँ तो क्या ये अपना बेस आ गया और क्या ये अपना हाइपोटेनियस आ गया क्या थीटा की जगह ये पुट कर सकते हो और अब ध्यान से देखो तुमको वी वन पता है तुमको वी आर पता है तुमको वीटू पता है बस तुमको यू फाइंड आउट करना है तो क्या कॉस्ट थीटा की जगह तुम ये वाला एक ये थीटा की जगह क्या करो ये पुट कर दो तुमको वी वन पता है तुमको वीटू पता है तुमको वी आर पता है v1 v2 कितना है दैट इज 2.5 और vr कितना है दैट इज 2 तुमको तो आराम से u पता चल जाएगा कि u क्या होगा हाँ कि ना तो ये बेसिकली छाप लो शुरू यहां से हुआ है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सारे सेम है t1 यहां पे सिंगल टाइम है क्योंकि ये डायरेक्ट पहुंच रहा है यहाँ पे दो दो टाइम है क्यों क्योंकि ये थोड़ा सा आगे भी जा रहा है और इसको वॉक करना भी पड़ रहा है थोड़ा सा आगे तो ये टीबी प्लस टी डब्ल्यू हो रहा है बेसिकली यार देखो ये सारे क्वेश्चन जो है फील करने वाले बातें हैं इसमें देखो यहाँ पे बस केवल समझने वाली बात थी और कहीं भी ऐसा नहीं है जो समझने वाली बात हो सारा केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तो इसको फील करो मोर एवर की तुम इसको समझने की कोशिश कर रहे हो ठीक है दिल से उतारो अपने अंदर इस चीज इस इन बातों को ठीक है तो ये समझ में आई पूरा क्वेश्चन अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेसिकली जो अपना अगला क्वेश्चन है दैट इज 1.8 ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरा कराने का मन नहीं है क्यों क्योंकि ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है लेकिन हम कराएंगे चलो देखते हैं टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय गॉड ब्योएंकॉर्ड क्या होता है बेसिकली एंकॉर्ड उसको बोलते हैं क्या होता है जैसे मान लो ये अपना रिवर है ठीक है इस बार समझाने के लिए मान लेते हैं ये अपना रिवर है या कुछ भी है और बीच में जो होता है किला टाइप मतलब पेड़ टाइप का ऐसे होता है जहां पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सा मतलब अगर शिप लंबी चल रही है तो वहां रुकने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा जगह बनाया जाता है बीच में ठीक है मतलब स्टॉपिस्ट कह सकते हो एक तरीके से तो ये बात समझ में समझ में आ गई कि ब्योए एंकॉर्ड क्या होता है एंकॉर्ड बेसिकली बेसिकली रुकने के लिए बड़े बड़े जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समुद्री इलाके में तो वो हल्का सा एक रुकने के लिए स्पॉट बना देते हैं जहाँ पे अपना काम वाम करते हैं जो भी पेट्रोल वेट्रोल भरना हो जो भी करना हो उनको आई डोंट नो उसके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ठीक है बेसिकली रुकने के लिए ये है टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ अंकॉर्ड बेसिकली ये अपना एंकॉर्ड है मान लेते हैं ये अपना एंकॉर्ड है और ए और बी जो है दो बोट हैं और इस बोट ये जो एंकॉर्ड है इससे मूव कर रहे हैं एट द मिडिल ऑफ द रिवर रिवर के मिडिल में होता है हम तो बता चुके हैं अलोंग द म्यूचुअली पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रीट लाइन मतलब अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा वाला इधर जा रहा होगा ठीक है ये भी सारा समझाने के बारे में चल रहा है अभी क्वेश्चन कर नहीं रहे है. ठीक है म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन द बोट ए अलोंग द रिवर अच्छा सर मतलब अगर मान लेते हैं ये रिवर की वेलोसिटी है तो जो बोट ए होगा मान लेते ये अपना बोट ए है तो ये अलोंग द रिवर चल रहा होगा ओके सर ओके समझ में आ रही है बात एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर अच्छा सर मतलब क्या ये वाला जो है बोट ए रिवर के साथ चल रहा है जो बोट बी है वो अक्रॉस द रिवर चल रहा है अक्रॉस द रिवर मतलब ये मान लेते हैं रिवर है वी आर है तो अक्रॉस द रिवर चल रहा है मतलब रिवर के अक्रॉस चल रहा है मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है ठीक है सर अक्रॉस द रिवर स अब मतलब कि ये जो है मान लेते हैं ये ए है ये इधर गया और ये जो बी है वो अक्रॉस द रिवर गया ये बी बी है क्योंकि across, देखो अब यहां पे दो बातें हैंस द रिवर चल रहा है अब एक किधर भी चल सकता है लेकिन ये स्टार्टिंग में पहले ही बोल चुका है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों आपस में तो अगर एक इधर चल रहा है तो और दूसरा एक्रॉस चल रहा है तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा बी के रिस्पेक्ट सॉरी ए के रिस्पेक्ट में ठीक है अब ये बात हो गई हैविंग मूव ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस मतलब ये दोनों एक साथ ए भी और बी भी इक्वल डिस्टेंस तक चले फ्रॉम द द बोट रिटर्न उसके बाद इक्वल डिस्टेंस चलने के बाद मान लेते हैं ये इधर गया और ये बी वाला पार्टिकल बी वाला बोट इधर गया और इक्वल डिस्टेंस कवर किया और वापस से ये दोनों क्या किए लौट गए द बोट रिटर्न फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स ऑफ द मोशन ऑफ बोट टी ए अपॉन टी बी मतलब कि इन और ये लौट गए

यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है हम थोड़ा सा बुक्स बुक में देखना पड़ेगा ये क्या है ठीक है सी एक सेकेंड वन पॉइंट एट है ना वन पॉइंट एट हां टू ये क्या लिखा है हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस एंकॉर्ड द बोट रिटर्न फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स ऑफ द मोशन ऑफ अ बोट टी ए अपॉन टी बी इफ द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट वेलोसिटी ऑफ द ईच बोट बोला है वेलॉसिटी ऑफ द ईच बूट मान लेते हैं ए की वेलोसिटी वी ए और दूसरे की वेलोसिटी बी वी बी है विध रिस्पेक्ट टू वॉटर इज ईटा टाइम्स ग्रेटर स्ट्रीम वेलोसिटी मतलब ईटा इन टू वी आर है कोई दिक्कत इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ये बेसिकली ईटा है ठीक है ये ईटा है ईटा इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टाइम ग्रेटर स्ट्रीम वेलोसिटी चलो अब देखो ये क्या कह रहा है यह सारी बात हो गई ये थोड़ा सा रफ वर्क था अब आ जाओ क्वेश्चन पे एकदम बात करते हैं तो ये अपने को समझ में आया होगा चलो देखो तो एक है ये अपना रिवर है ये इधर चल रहा है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर अब पार्टिकल ए बोट ए के बारे में बात करते हैं। बोट ए के बारे में और ये तो क्या है बोट ए अपना इधर चल रहा है मस्त ये एंकॉर्ड है और ये इधर चल रहा है दैट इज द मान लेते इसकी वेलोसिटी क्या है बी ए है और ये जो है बोट बी है बोट है और ये अक्रॉस द रिवर चल रहा है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा अब रुक जाओ थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। ध्यान से से देखने देखने वाली वाली बात बात है 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 कि अगर जो व्यूअर मतलब ऑब्जर्वर है अगर ये इसको सीधा जाते हुए लग रहा रहा है है तो ये ये बेसिकली सीधा नहीं जा हल्का सा टिल जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर इस डायरेक्शन में तो क्या ये इसको ढकेलता जाएगा तभी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखेगा जाएगा नहीं दिखेगा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहा है लेकिन जा किधर रहा है ये थोड़े से थीटा एंगल पे टिल्ट जा रहा है ठीक है That is the velocity of B. हाँ सर, समझ में आ रही है ये बात? तो टाइम अपने, अपने को क्या बताना है टीए अपॉन टीबी बताना है अरे यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है टी ए अपॉन का क्या मान लेते कुछ डिस्टेंस गया और वापस लौट के चलाया ये भी कुछ डिस्टेंस गया और वापस लौट के चला आया अच्छा सर मतलब अपने को टी ए अपॉन टीबी बता ले तो आओ देखते हैं हम लोग पहले टीए निकालते हैं टाइम उफे। टाइम ऑफ ऑफ ए ए निकालने जब जाओगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा सर ये अगर मान लेते हैं दोनों डी डी डिस्टेंस कवर किए मान लेते हैं ये भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बेसिकली वी ए को अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डी डी डिस्टेंस गया और आया अब ध्यान से देखना यहां पे दो बातें हैं अगर ए बोट

लेकिन अब देखो जाने और आने का टाइम लिख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो डिस्टेंस तो डी ट्रेवल किया लेकिन किया लेकिन VA -VR हो गया। और यार ये क्या हो गया बेसिकली जो बोट की वेलोसिटी है माइनस जो रिवर की वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है और फिर आते समय अपस्ट्रीम जा रहा है ध्यान से समझने वाली बात है तो एक बार रिवर के साथ साथ चल रहा है यानी कि वी ए प्लस वी आर और जब आ रहा है तो रिवर के अपोजिट में चल रहा है यानी कि वी ए माइनस वी आर तो क्या ये अपना टोटल टाइम टी ए हो गया हाँ सर बिल्कुल सर समझ में आ रही है सर बात हर, सर, हर बात समझ में आ रही है वेरी गुड अब आ जाओ टाइम ऑफ द बी निकालते हैं हम लोग ए तो निकल गया सिंपल सा खेल था कुछ भी टफ नहीं था टाइम ऑफ बी निकालते हैं सर अब टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा सर तो टाइम ऑफ बी क्या होगा

अपॉन वी ए प्लस वी आर प्लस डी अपॉन वी ए माइनस वी आर अपॉन टू डी अपॉन वी बी थीटा हाँ सर समझ में आ रही बात अब क्या करो डी को कॉमन निकालो और कट कर दो अब कॉस थीटा क्या होगा फिर से कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये कॉस्टा ये अपना ये कंपोनेट बेस अपॉन हाइपोटीनियो बेस क्या हो जाएगा अपना सॉरी ये बेस है तो यह बेस क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी बी अंडर द डायरेक्ट लिख रहा है अंडर द रूट ऑफ VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा दैट इज VB ये हो गई बात अब ध्यान से देखो क्या ये cos थीटा की जगह तुम ये पुट कर सकते हो बिल्कुल सर पुट कर सकते हैं अब VB और सॉरी uh, अब VB की जगह क्या पुट करोगे तो VB की जगह क्या पुट करोगे ETA VR पुट करोगे और VA की जगह भी क्या पुट करोगे ETA VR मतलब VB और VA की जगह ETA VR पुट करो और ETA जो है दिया हुआ है दैट इज 1.2 ठीक है ईटा जो है दिया हुआ है अपना ईटा इज बेसिकली सॉरी यार ये ये लाइन गलत हो गई है ठीक है ईटा इज बेसिकली वन पॉइंट टू टाइम्स ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए थे ईटा इज बेसिकली वन पॉइंट टू इंटू वी आर ठीक है ये ये चीज है टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलासिटी टू इंटू वी आर ये बेसिकली वन पॉइंट टू ईटा ही है ठीक है तो ये हो गई अपनी बात सॉरी ये वी आर नहीं होगा वन पॉइंट टू होगा केवल ओ यार क्या मिस्टेक हो रही है ठीक है ईटा की जगह क्या होगा अपना वन पॉइंट टू होगा तो ये टी ए अपॉन टीबी डी अपॉन वी ए माइनस वी आर अपॉन टू थीटा की जगह तुमको ये पुट करना है और बी जगह तुमको ईटा वी आर पुट करना है यू विल गेट द आंसर दैट इज रेशियो ऑफ टी ए अपॉन टीबी ठीक है तो ये अपना ये भी क्वेश्चन हो गया वन पॉइंट एट ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था चलो अब दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बेसिकली हम पंगा ले रहे हैं एक तरीके से क्योंकि आयोरडोव के क्वेश्चन वैसे ही थोड़े से लेंदी होते हैं ऐसा तुम ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है जितने भी क्वेश्चन तुम अभी तक सॉल्व कर चुके हो इन क्वेश्चन में को कोई भी दम नहीं है लेकिन तब भी लग रहा है कि नहीं यार आ, मेरे समझाने में भी और आप लोगों के समझने में भी थोड़ा सा ये टिपिकल लग रहा है क्यों टिपिकल लग रहा है उसके पीछे रीजन होता है उसके पीछे ये रीज़न है कि इनकी भाषा ही अलग है यार मतलब इसीलिए रोडोफ सॉल्व करने से बच्चे डरते हैं और टीचर सॉल्व करवाने से भी डरता है है ना तो थोड़ा सा समझना इसको उन बच्चों के लिए आसान होगा जो कि अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए हैं जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं उनको नहीं समझ में आएगा बस हल्का सा फील करने वाली बात है आई एरोडो इसीलिए बच्चों को सॉल्व करने में भी मजा आता है और हम रिकमेंड करेंगे तुम लोग पहले खुद ये क्वेश्चन ट्राई करो उसके बाद दोबारा उसके बाद नहीं आए तब ये लेक्चर्स को कंसर्न करो और उसके बाद फिर से ट्राई मारो मतलब पाँच हम कहेंगे पाँच क्वेश्चन उठाओ उन पांच क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ो बिल्कुल बुरी तरीके से और खुद से प्रैक्टिस करो उनकी अगर फिर ना आए तब जाके लेक्चर से कंसर्न करो उसके बाद फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करो उससे क्या होगा थोड़े से कॉन्सेप्ट जो होंगे रिकॉल होते चले जाएंगे तो अभी काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन चल रहा है तो थोड़ा सा मुझे हमको भी बोरिंग लग रहा है पढ़ाने में लेकिन अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं टू बॉडीज वर थ्रोन साइमटेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट अच्छा सर दो बॉडी है सेम पॉइंट से फेंकी जा रही है वन स्ट्रेट अप एंड अदर एट दूसरा कलर में करते है व्हाइट में करते हैं चलो थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री पे फेंकी गई टू दॉरिजेंटल मतलब क्या कह रहा है कि एक अपना पार्टिकल है ये जो कि पार्टिकल ऐसे नहीं हम्म जी सर तो एक पार्टिकल है अपना ये जो कि थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ये अपने से थीटा तो 60 डिग्री पे गया है। और जो दूसरा पार्टिकल है वो स्ट्रेट मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू वी नॉट दी फाइव मतलब इसकी भी वेलोसिटी जो है है, और इसकी भी वेलोसिटी जो है दी हुई है 25 meter per second, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है Second, t is equal to second later. मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बताना है इतने टाइम के बाद तो हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इस पार्टिकल को सेकेंड मान लेते हैं तो ये पार्टिकल मान लेते हैं अपना थोड़ा सा इधर देखो ये पार्टिकल मान लेते हैं इधर गया तो हल्का सा यहाँ पे आ गया तो इसको x1 y1 मान लेते हैं कि ये t टाइम के बाद इस पॉइंट पे आ गया है और इस पार्टिकल को मान लेते हैं x2 x2 y2 y2 मतलब ये पार्टिकल जो है पॉइंट पे आ चुका है हाँ सर समझ में आ रहा है तो क्या अगर अपने को x2, y2 पता चल जाए, और क्या अपने को x1 y1 पता चल जाए तो क्या इसके बीच काज डीकल टू अंडर द रूट ऑफ x1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल तुमको नहीं आ रहा है क्या यही नहीं सर नहीं छोड़ सकते आप चलो देखो क्या होगा तो बेसिकली आ जाओ पहले पार्टिकल अभी हम लोग एक्स वन वाई वन पता करेंगे फिर एक्स टू वाई टू पता करेंगे देखो सबसे पहले एक्स वन वाई वन के लिए काम करेंगे एक्स वन वाई वन के लिए आ जाओ देखो एक्स वन वाई वन तो सबसे पहले एक्स वन पता करते हैं

हम क्या बोले हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को हम हमारा काम यह है कि केवल आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाना ठीक है क्योंकि अगर सॉल्व करने लगेंगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा सेशन ठीक है और हम ये नहीं चाह रहे हैं तो बेसिकली तुम लोग कैलकुलेशन करने नहीं आए हो तुम लोग आईओर सॉल्व करने आए हो बेसिकली आईओ में ये पंगा होता है कि थोड़ा सॉल्व करने वाला मैथ सॉल्व करना ही टफ बना देता है को जहां तक हमको लगता है और कॉन्सेप्ट तो है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो तुमको वी नॉट दिया हुआ है आपको थीटा दिया हुआ है आपको टाइम दिया हुआ है आप खुद से कैलकुलेट करेंगे आप खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को हम केवल ये वैल्यू दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ठीक है क्योंकि लंदी नहीं करना अपने को वीवन क्या हो जाएगा वीवन अब क्या होगा तुम लोग को पता है एस इज उकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मुला हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं ठीक है लेकिन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है यहां पे माइनस हो जाएगा चलो आओ देखते हैं तो ये u क्या हो जाएगा बेसिकली u अब ऊपर वाली वेलोसिटी दैट इज वी नॉट साइन थी एंड टू टाइम प्लस हाफ सॉरी माइनस होगा यहाँ पे ओहो चलो क्योंकि ये अब मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अब देखो क्या आपने को वी नॉट पता है क्या को ग्रेविटी पता है, है? सब कुछ पता है अब हम लोग एक्स टू वाई टू के लिए काम करने जा रहे हैं तो ये वाला पार्टिकल जो है जस्ट ऊपर फेंका गया तो क्या ये वाई एक्सएस पे है तो इसका एक्स टू क्या हो जाएगा वो तो डायरेक्ट जीरो हो गया क्यों क्योंकि ये वाई एक्सएस पे केवल फेंका जा रहा है अब अपने को वाई टू चाहिए तो वाई टू इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा वी नॉट b of 1/2 gt2 यहाँ पे v0 क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोई कंपोनेंट नहीं है ये डायरेक्टली v0 से फेंका जा रहा है ठीक है ये प्रोजेक्टाइल है लेकिन ये सिंपल मोशन है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही है तो क्या आपने को y2p यहाँ पे पता चल गया तो क्या आपने को x1 y1 पता है क्या आपने को x2 y2 पता है क्या हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं बस ये क्वेश्चन सॉल्व यार तो 1.10 भी अपना कवर हो गया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो अभी तक कोशिश किए हैं ये तीन क्वेश्चन हो गया अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कहते हो देख लिया जाए देख लेते हैं चलो टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एन एक्सलेशन जी ठीक है सर दो पार्टिकल है मान लेते हैं ये है अपना ग्राउंड है मान लेते हैं ये अपना ग्राउंड है ये अपना क्या है ग्राउंड है और दो पार्टिकल है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है मतलब दो पार्टिकल कहीं हवा में है टू पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन जी एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल वर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव विद द वेलोसिटी दिस एंड दिस एंडली इन द अपोजिट डायरेक्शन अच्छा सर मतलब दो पार्टिकल हैं सेम पॉइंट पे रखे हुए हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेंके गए हैं विदोसिटी वी वन एंड वी टू यानी कि दो पार्टिकल मान लेते हैं सेम पॉइंट ये हो गई और ये एक पार्टिकल इधर फेंका गया दैट इज वी वन वेलोसिटी से दैट इज थ्री मीटर पर सेकेंड और दूसरा वाला पार्टिकल इधर फेंका गया दैट इज वी टू इज इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड हाँ सर समझ में आ रही है बात क्वेश्चन को पहले समझो जैसे जैसे क्वेश्चन हम देखो तुम जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं तुम ध्यान से देखे हो पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथ ही साथ फिगर भी बनाते हुए चल रहे हैं ठीक है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सा नीचे लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बी वन इज बेसिकली थ्री मीटर पर सेकेंड एंड बी टू इज इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट वेन दे आर वेलोसिटी वैक्टर बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर अच्छा सर मतलब अपने को क्या करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कब जब इन दोनों का जो वेलोसिटी वैक्टर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है और ये मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच चुका है पार्टिकल वन और जो दूसरा वाला पार्टिकल है ये टू पार्टिकल ये यहाँ तक ट्रेवल करते हुए गया और ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो ये मान लेते हैं एस टू डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये वाला क्या कर क्या किया एस वन डिस्टेंस ट्रेवल किया अब अपने को क्या चाहिए ये टोटल डिस्टेंस चाहिए नेट चाहिए दैट इज एस वन प्लस एस टू मतलब क्या अपने को एस वन एस टू पता चल गया तो अपने को ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों म्यूचुअली अब रुक जाओ ठीक है सर अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका गया है सॉरी ग्रेविटी के अंदर फेंका गया है तो क्या ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाना चाहिए ये वाला भी पार्टिकल क्या कुछ ऐसे जाना चाहिए अब वो कितने देर के लिए जा रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या हो रहा है अभी हम लोग देखेंगे तो जो v1 नेट होगा v1 नेट होगा तो एक देखो अब यहां पे दो बातें सामने आ रही हैं देखो हम एक थोड़ा सा ये वाला पार्टिकल एक पार्टिकल को इधर बना ले रहे हैं एक तो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और दूसरी एक और वेलोसिटी है जो कि नीचे की तरफ लग रही है जो कि कुछ नहीं दैट इज जीटी है ध्यान से समझो और ये जो जी टी होगा यह माइनस जी टी है एक्सिलेशन है? है और टाइम क्या है टाइम है और ये माइनस वेलोसिटी इधर और गा 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 गा। इधर ये इन्हीं दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है हाँ सर समझ में आ रही है बात आपकी और ये भी जो वी टू है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है की ना तो वी वन नेट क्या हो जाएगा वी वन नेट हो जाएगा वी वन आई कैप कैप हम लोग ले लिए अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा वेक्टर वाला फॉर्म देख रहे हैं तो वन नेट निकाल ले हम लोग माइनस में जी टी जे कैप कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को ध्यान से देखो ये ग्रेविटी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंका गया है कहीं और नहीं फेंका गया है तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज आएंगी एक तो वेलोसिटी इसके हॉरिजेंटल में होगी एक वेलोसिटी इसके वर्टिकल में होगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसी तरीके से जो वी टू पार्टिकल है वो अगर इधर जा रहा है तो क्या यहाँ पे वी टू होगा और यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा माइनस जी टी होगा क्योंकि यहाँ भी कुछ अलग नहीं है तो क्या हो जाएगा ये वी टू नेट हो जाएगा तो नेट क्या हो जाएगा दैट इज माइनस वी टू आई कैप माइनस वीटूआई कैप के लिए क्योंकि ये देखो ये एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस है ये प्लस एक्स एक्सिस है ये ऊपर वाला प्लस वाई एक्सिस और नीचे वाला माइनस तो इसी से हम लोग कंपोनेंट लिख रहे हैं ध्यान से देखना ये कंपोनेंट कैसे लिखे जाते हैं ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है क्योंकि तुम लोग आए रोडोव सॉल्व कर रहे हो हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आए होगी या 80 परसेंटाइल प्लस है हम 80 मान रहे हैं क्योंकि 80 परसेंटाइल पर अगर कोई बच्चा पाया है तो वो ये सारी बातें समझ जाएगा बिल्कुल आसान से आसानी तरीके से क्योंकि स, क्योंकि ये एक्सप्लेन किया जा रहा है सामने ठीक है अब रुक जाओ तो क्या आपने को वी नेट निकल गया क्या आपने को वी टू नेट निकल गया वी वन नेट भी पता चल गया सर वी टू नेट भी पता चल गया अब क्या करें इसका सर तो हम ये क्यों निकालें क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट द मोमेंट वन दर वेलोसिटी वेक्टर बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर अच्छा सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सर इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा क्यों क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्योंकि कॉस्ट 90 की वैल्यू जीरो होती है और डॉट प्रोडक्ट में वी वन वी टू कॉस्ट थीटा होता है सर क्या वी वन नेट डॉट वी टू नेट क्या इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या वो जीरो हाँ सर बिल्कुल होगा सर तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं निकाल लो v1 वन आई कैप माइनस जी टी जे कैप दूसरे ब्रैकेट में माइनस वी टू आई कैप माइनस जी टी जे कैप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो होता है अब हम लोग कर लेते हैं सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी वन वी टू ये आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जे वाला जे से मल्टीप्लाई तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा जी टी इजल टू जीरो जी टी हो जाएगा क्या यहां से टी जो होगा अच्छा उधर मेरा पिक्चर आ रहा होगा तो टी जाएगा? टू जाएगा? 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 तो तो क्या हो जाएगा of, ओ भाई साहब यहाँ जी स्क्वायर टी स्क्वायर है क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर तो यहां पे t क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ओ भाई साहब अंडर द रूट ऑफ वी वन वी टू अपॉन जी क्योंकि जी एक तो रूट से बाहर आ जाएगा एक वाला जी तो क्या अपने को टाइम मिल गया सर हाँ सर टाइम मिल गया गया को को क्या अपने को जब 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 एसनेट 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 निकालने 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 जाते जब निकालने जाते जाते ये ये थोड़ा अलग हो तो बेसिकली डिस्टेंस इधर टेंशन तो लेने वाली बात नहीं है अपने सर यही होगा तो क्या ये जो वी वन वी वन प्लस वी टू और टाइम को बाहर निकाल लो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में कोई परेशानी एस वन की जगह और यार ये तो बेसिकली क्लास नाइन से पढ़ाया जाता है नाइन से क्या ये क्लास सेवन की बुक में होता है स्पीड इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वी वन प्लस वी टू और ये जो टाइम है वो क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी वन वी टू अपॉन में जी क्या अपने को वी वन पता है यार क्या अपने को वी टू पता है यार क्या आपने को V1, V2 पता है और G भी पता है तो क्या आपने को Snet नहीं निकाल सकते हो निकाल सकते हो अब क्या हम इसको कैलकुलेशन सॉल्व तो तो करिए तो और रही बात आंसर की क्या आएगा तो वो अगर आपके पास आईरोडोव की बुक है तो आपके पीछे जो होता है सोल्यूशन आपका दिया हुआ है हम भी यहां से डायरेक्ट सोल्यूशन बोल सकते हैं लेकिन कुछ तुम भी मेहनत करो कि हम ही सारा मेहनत करें तो बेसिकली क्वेश्चन भी कवर हो गया अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व किया जाए नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व किया जाएगा 1.118 बेसिकली ये क्यों इसको नेक्स्ट क्लास में बोल रहे हैं क्योंकि ये दूसरी टॉपिक है ये बेसिकली लॉज ऑफ मोशन से है वर्क एनर्जी पावर दोनों को मिला के ये क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है अब ये काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन जो है खत्म हो चुका है ठीक है काइनेमेटिक्स से इतना क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बोले भी थे कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ठीक है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन तुम लोग आप लोग तो खुद से कर सकते हैं क्योंकि अभी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे लेकिन एक स्ट्रेच पे पूरा जो हमको लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है जिन जो हम लिस्ट बना के रखे हैं पहले वो खत्म हो जाए बाकी फिर हम बाद में देखेंगे कि और कितना सॉल्व करा सकते हैं ठीक है उसका सेशन हम लाते रहेंगे उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आप लोग नाइन नाइन हम करा दिए थे नहीं नाइन नहीं कराए थे क्वेश्चन नंबर नाइन करिए क्वेश्चन नंबर नाइन करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर टेन करा दिए थे हाँ इलेवन भी करा दिए ट्वेल्व कर सकते हैं आप लोग आप क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी कर सकते हैं और देख लेते हैं और 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 आप लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हैं ग्राफ का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है हो जाएगा सॉल्व आरा, आराम से क्वेश्चन नंबर काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लेकिन अब एक-एक क्वेश्चन सॉल्व कराया नहीं जा सकता जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही क्वेश्चन सॉल्व कर 21 भी कर सकते हो आप लोग और, और भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है प्रिजक्टरी वाला नहीं, नहीं। और 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 क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन करिए नहीं फिफ्टी सेवन रहने दो रहने दो क्वेश्चन uh, नंबर फिर उसके बाद uh, खत्म हो गया ये ठीक है ये खत्म हो गया कैनामेटिक्स का वाला पोर्शन खत्म हो गया उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स मतलब लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर वाला तो इतना क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ये सॉल्व करिए हम भी सॉल्व कराएंगे ठीक है लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कितना टाइम अपने को बसता है ये पूरा जो है वो खत्म करने के लिए एक बार फिर से हम तुम लोगों को दिखा देते हैं वो जो अपने पास है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया अपने पास जो रखा हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है वो दिखा देते हैं एक बार आ, ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है कहा गया ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को? ये देख लो ये मैकेनिक्स के ये क्वेश्चन थर्मोडाइनेमिक्स के ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोनमिक्स इलेक्ट्रोडायनमिक्स में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है तो उनको अपने को सॉल्व करना है और ऑसिलेशन और वेव अभी दो का नहीं बना है ऑप्टिक्स का नहीं बना है और मॉडर्न uh, फिजिक्स का नहीं बना है तो ये दो पोर्शन का नहीं बना है वो बन जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन अपना स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन कवर करने हैं यहां टेन तक हो गए हैं कवर और इलेवन इसमें इलेवन नहीं दिया था लेकिन इलेवन हम सॉल्व करा दिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था वो और ये सारे क्वेश्चन बचे हैं मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा लेकिन और क्वेश्चन हम बताते रहेंगे तुम लोगों को कि कौन कौन से और क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो ठीक है थर्मो उसके बाद इलेक्ट्रो पूरा एकदम मजे से करेंगे और क्योंकि मज़ा भी आता है इलेक्ट्रो को जो जिन बच्चों को समझ में आ गई एक बार इलेक्ट्रो उन बच्चों को मज़ा आता है और जिनको नहीं आई उसमें उसको तो फिर सजाई ही सजा है ठीक है तो बाय चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी करना है फॉलो करो चैनल को ठीक है क्योंकि रोडोव अच्छे से सॉल्व हो रहा है और इंस्टाग्राम प्रोग्राम भी फॉलो करो लेकिन पेपर के बाद अभी नहीं ठीक है चलो बाय